नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z रिपेयरिंग में। दोस्तों ये लुमिनस का 1065 मॉडल इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर का जो है सब फंक्शन प्रॉपर काम करता है। ये इसका स्विच का सिर्फ प्रॉब्लम है, ये स्विच छोड़ता है, देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि इसका स्विच को कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसका ढक्कन को मैं खोल लिया और इसका ढक्कन को खोलने के बाद में ये पैनल हमें खोलना है। तो ये पैनल को खोलने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू है, तो ये दोनों स्क्रू को हमें खोलना है। और इसको हल्का सा ऊपर उठाना है और बाहर की तरफ खींचना है, तो इस तरह से ये हमारा पैनल खुल जाएगा। तो ये पैनल को खोलने के बाद में ये बोर्ड को बाहर निकालना है और ये बोर्ड को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे लॉक है, तो ये लॉक को हल्का सा फैला करके निकालना है इस तरह से। और देख सकते हैं ये स्विच है यहाँ पे, तो ये स्विच को हमें चेंज करना है। तो चलिए ये स्विच को हम चेंज कर लेते हैं। इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगाना है। सोल्डर वायर की मदद से जो है इसका रंगा को खींच लेना है। और ये मेरे पास नया स्विच है, तो चलिए ये स्विच को लगा लेते हैं। तो इस तरह से यदि आपका इन्वर्टर में स्विच का प्रॉब्लम आता है तो आप खुद चेंज कर सकते हैं, आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो है सर्विस चार्ज भी बच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।